दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी कम उम्र में शादी हो जाती है। पहली शादी कुछ वजह से नहीं चल पाती तो दूसरी शादी भी कुछ वजह से नहीं चल पाती है। इन दोनों शादियों से उसे ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लड़की हार मान गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि अब वो अपना रास्ता खुद बनाएगी और खुद उस रास्ते पर चलेगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हैं। श्वेता तिवारी की दो बार शादी होती है। पहली शादी उनकी राजा चौधरी से हुई जिनसे उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम है पलक तिवारी। वहीं दूसरी शादी उनके अभिनव कोहली से होती है जिनसे उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम है रियांश। इन दोनों शादियों से उन्हें ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और ना ही कोई इमोशनल। यानी कि श्वेता तिवारी की अगर दूर से जिंदगी देखे तो बहुत ग्लैमरस दिखती है, लेकिन वही पास आकर पता चलता है कैसे उनकी लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई है। इन सभी के बारे में बात की है पलक तिवारी ने। पलक तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस तरह से उनकी माँ घर का काम तो देखती ही थी, साथ ही बाहर जाकर पैसे भी कमाती थी। पलक तिवारी का कहना है कि उनकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो उन्हें और उनके बेटे को घर में अकेला छोड़े, अकेले छोड़कर काम पर जाए, लेकिन घर में कोई भी कमाने वाला शख्स ना होने की वजह से उन्हें ये कदम लेना पड़ता था। अब पलक तिवारी बॉलीवुड में आ चुकी है, म्यूजिक एल्बम में वो नजर आ रही है और एक ग्लैमरस एक्ट्रेस की जो छवि है वो पलक तिवारी में देखने को मिल रही है। लेकिन इस इंटरव्यू में पलक तिवारी ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताया है। पलक तिवारी कहती हैं जिस तरह से उनकी माँ घर को एक इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, वही अब माँ के कंधों में जितना भी भार है अब उसे हटा देना चाहती है और घर को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहती है। पलक तिवारी ने इस इंटरव्यू में अपने सौतेले पिता अभिनव कोहली पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि उनके सौतेले पिता जो हैं अपने बेटे यानी कि रियांश को भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं, एडुकेशन में उसकी हेल्प नहीं करते हैं। तो पलक अब चाहती हैं कि जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, चाहे वो रियांश का हो या चाहे वो उनके नाना नानी का हो, वो सब कुछ अब पलक देखना चाहती हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि ये माँ बेटी की जो जोड़ी जिस तरह से बॉलीवुड में धमाल मचा रही है वो आगे भी धमाल मचाते आएंगी। तो इस बार आपका क्या कुछ कहना है इस माँ बेटी की जोड़ी पर, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा।